उसमें डॉगियों भी शामिल है। कुएं की हालत तो यह है कि आज 1% कुआं ऐसा नहीं है जिसका हम पानी पी सकते। हमारे बच्चों के हमने पंगाट देखे हैं, वहां पे अजीब सौंदर्य हुआ करता था कि हम लोग जाते थे, ठंडा पानी निकलता था, नहाते थे, याद करते थे। आज कहीं कहीं पे भी आपको पंगाट या कुएं ठंडा पानी नहीं मिलेगा, हैंडपंप होगा। पहले हैंडपंप से पानी निकाला गया तो धीरे धीरे कुएं का हुए, फिर सुखड़ा रोड कर दिया गया, फिर बड़ा रोड कर दिया। लिहाजा पोजिशन ये हुई कि आज बुंदेलखंड के 19 विधायक हैं और 16 विधायक ऐसे हैं वो लोग अभी आएंगे, आप उनसे पूछिएगा, उनके इलाके डालकर मुझे हो चुके हैं। परिणाम ये है कि कभी इलाके के बनाएंगे आपको, पहाड़ी के कभी पहाड़ी एक में आता है, पहाड़ी में आता है, वहां पे महोबा में आप जाइए, हमें बताइए। मैंने चारों जिलों में मतदाता करी है, मुझे चारों जिलों में आप हर एक एरिया मालूम है कि कहाँ पे डाल दो, कहाँ पे सेमी डाल दो और कहाँ पे क्रिटिकल लाल जोन घोषित हो चुका है। ऐसा नहीं है कि हमारे साथ कभी कभी अन्याय किया, हम हृदय प्रदेश के रहने वाले हैं और हृदय सबसे महत्वपूर्ण एरिया होता है मनुष्य का हो या जमीन का। बुंदेलखंड हृदय प्रदेश है, ऊपर वाला हमको पानी देता है, गलती हमारी है। अगर आपको हर समय पानी मिलता है तो हम उसको संक्षिप्त या बदलवा मानते। पिछली बार मेरे पास आंकड़े हैं तो केवल 15 सालों में 3 बार ऐसा होगा कि सूखा आता है, 3 समय से कम पानी गिरा। एक साल पहले तक हम परेशान थे और हम लोगों ने कहा कि सूखा पड़ गया, 80% से 90% 95% खेती वो ही नहीं गई। भाई साहब जानते हैं, भाई साहब बाबा जाते हैं हम लोगों के पास में, और विभाग की बात यह हुआ उसको लेकर तमाम आपके पानी के लिए, पानी के लिए ना हो इसलिए आप लोग कुछ करें। नाना जी ने थोड़ा दे दिया, आप बहुत स्वागत रखे हुआ करें। कितने साल बीत गए, आगे जो हुआ हुआ, लेकिन अब सरकार आशा कर रही है, आशा करते हैं कि गंगा और ये नेता सम्मेलन होगा, लेकिन कुछ लोग साथ दे रहे हैं, सभी लोग कुछ लोग दे रहे हैं और मैं ऐसा करूंगा। मैं जो अपने खुद के प्रयास है बधाई रखे हुए हूँ और करूंगा। सरकार की जो योजना है, सरकार की योजना हमारे विकास के लिए होती है। अब पानी को बचाना है तो हमारे खुद के लिए है, सरकार की योजना है, ये हमें खुद करना पड़ेगा। धन्यवाद।